हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज सुचले देखते हैं कल मार्केट का काउंटर सकता है कौन सा स्टॉक सब कर सकते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है कल हम लोगों ने सेम चीज एक्सपेक्ट किया था मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो इट विल गोइंग टू बिकेम ए वॉलेटाइल मार्केट इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया जब भी पॉजिटिव सेंटिमेंट में मार्केट क्लोज होता है और उसी फेवर में मार्केट ओपन हो रहा है दैट मीनस जितने लोग यहाँ पे क्योंकि जब भी पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहता है बहुत सारे लोग होल्डिंग में पोजीशन लेके जाते हैं जब ये ओवरनाइट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाता है फिर ये जब नीचे आता है तो लोग फिर वेट करते हैं कहां पे एक सपोर्ट दिखेगा बाय करेंगे तो जनरली मार्केट वॉलेटाइल रहता है इसलिए बार बार मैं आपको बताता हूं मार्केट अगर फ्लैट खुला और स्विंग क्रॉस कर रहा है तभी मोमेंटम एक अच्छा आप लोगों को कैप्चर होगा अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला दो इट्स ए स्टिल ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है लेकिन जस्ट बिकॉज बड़ा गैप अप खुलने का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था और यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ एंड वन मोर पॉइंट ऑफलाइन क्लासेस मैंने स्केड्यूल कर लिया है चार लोकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप डिटेल जाके चेक कर सकते हैं

अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है नीचे स्विंग के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए टारगेट होना चाहिए अगर नीचे जा रहा है तो नो no डाउट पहला टारगेट आपका ये गैप होना चाहिए स्टॉप लॉस ये लास्ट स्विंग के ऊपर तो पे छोटा सा रेंज है एक अच्छा ट्रेड आप लोगों को कल निफ्टी के अंदर मिल सकता है रेंज ब्रेकआउट के बाद बस इसी रेंज के अंदर खुलना चाहिए उसके बाद ये कंटिन्यू होना चाहिए चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं पहला स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे एससीएलटेक यहाँ पे अगर देखेंगे एक ब्रेकडाउन का सीनारियो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम यहां पे ट्रेड हुआ था स्विंग उसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है आज